26 फरवरी को बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद से ही आतंकियों में खौफ हो गया है। आतंकियों को पता चल चुका है कि अब उनका सरपरस्त पाकिस्तान भी अब उनकी हिफाजत नहीं कर सकता है। भारत जब चाहे तब उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों पर भी भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक का खौफ दिखने लगा है। इसका खौफ अब उस पार यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों पर दिखने लगा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मौजूद 4 आतंकी कैंपों को बंद कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय सेना इन्हें लगातार निशाना बना रही है। आतंकियों को डर सता रहा है कि किसी भी वक्त भारतीय सेना इन आतंकी कैंपों को निशाना बना सकती है। खुफिया इनपुट्स की माने तो 16 मार्च को पीओके में हुई एक बैठक में निकियाल में हुई इस बैठक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्करे तैयबा के आतंकी अशफाक बड़वाल भी शामिल हुए थे। ये इलाका राजौरी के आसपास का है। इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी आतंकी संगठनों को बंद किया जाए क्योंकि भारत की ओर से लगातार सीज फायर उल्लंघन का जवाब भारी गोलाबारी से दिया जा रहा है। इसकी वजह से ये कैंप भी निशाने पर आ सकते हैं। पाकिस्तान ने जिन कैंपों को बंद करने का फैसला किया है वो कोटली और निकियाल सेक्टर में है जो सुंदरबानी और राजौरी के पास है। चारों आतंकी कैंपों को आतंकी अशफाक बड़वाल देख रहा है जबकि 2 कैंप पाला और बाघा क्षेत्र में जो जैश मोहम्मद के द्वारा संचालित किए जाते हैं। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ गई। सिर्फ 2019 में अब तक 634 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पिछले साल 1629 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसलिए आतंकियों को अब डर सता रहा है कि कहीं सेना के निशाने पर आतंकी ठिकाने ना आ जाए। इसलिए आतंकियों को पसीने आ रहे हैं और वो आतंकी कैंप खाली कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत।